बिग बॉस 15 के इस हफ्ते के वीकेंड के वार का सभी को बेसब्री से इंतजार था। सभी जानना चाहते थे कि इस हफ्ते किस तरह से सलमान खान रिएक्ट करने वाले हैं। तो अब हम आपको बता दें कि इस बार के वीकेंड के वार की शूटिंग फिलहाल चल रही है और करण कुंद्रा का केस लिया जा चुका है। जी हाँ, आपने सही सुना, करण कुंद्रा को सलमान खान ने काफी ज्यादा बैश किया है। उन्होंने करण से पूछा कि उन्होंने फिजिकल वायलेंस का यूज क्यों किया। करण ने इस बात पर अपना एक्सप्लेनेशन भी रखा है। सलमान खान ने यहाँ पर कहा कि अगर प्रतीक सहजपाल इस बात का काफी बड़ा रिएक्शन देते तो यहाँ पर आज करण कुंद्रा के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाती, लेकिन प्रतीक ने क्योंकि इतना रिएक्ट नहीं किया है तो करण के ऊपर इतना बड़ा कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है, लेकिन करण ने जो भी किया है वो बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं था। इसके अलावा इस हफ्ते हमने ये भी देखा कि किस तरह से जय ने प्रतीक के ही अगेंस्ट जाकर अपने टीम प्लेयर को आगे बढ़ने से रोका, क्योंकि वो प्राइज मनी बचाना चाहते थे। सलमान खान ने इस बारे में भी जय से बात की और उन्होंने बोला कि उन्होंने ये सब किया किस चीज के लिए, क्योंकि एंड में एनीवेज जो प्राइज मनी था वो जीरो हो ही गया। जिस पर जय ने अपनी बात सामने रखी, लेकिन वो इतनी कन्विंसिंग नहीं लगी। वहीं हम आपको बता दें कि सलमान खान बता चुके हैं कि इस हफ्ते वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट्स आने वाले हैं, और लेटेस्ट खबरों की माने तो राकेश बापट की वाइल्ड कार्ड एंट्री थोड़े टाइम के लिए पोस्टपोन कर दी गई है, और इस हफ्ते सिर्फ और सिर्फ राजीव अदातिया, जो कि शमिता शेट्टी के राखी ब्रदर है, वो ही हमें एंटर करते नजर आएंगे। वो मंडे के एपिसोड में एंट्री लेंगे। इसी के साथ जो दंगल हुआ वो हुआ सिम्बा नागपाल और उमर रियाज के बीच में, और दोनों के दोनों राउंड्स जीते हैं सिम्बा नागपाल ने। इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि इस बार वीकेंड के वार पर जो गेस्ट हमें एंटरटेन करते नजर आएंगे उनमें से एक और कोई नहीं बल्कि बिग बॉस का हिस्सा रह चुकी हिना खान है, और इसके अलावा टेलीविजन के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर होस्ट मनीष पॉल भी इस हफ्ते हमें एज गेस्ट बिग बॉस 15 पर नजर आएंगे।